स्पेशल सेल की एक टीम जिसको लीड एसीपी ललित नेगी हृदय भूषण, इंस्पेक्टर रविंदर और इंस्पेक्टर सुनील कर रहे थे। इन्होंने कल रात एक आईएसआईएस ऑपरेटिव को पकड़ा है एक ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर के पास से। ये ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर दौलाकुआ रिज रोड जो है उस पर हुआ था, लेट नाइट में हुआ है। पकड़े गए आदमी का नाम मोहम्मद मुस्तकीम खान उर्फ यूसुफ उर्फ अब्दुल उर्फ अबू यूसुफ, कई और भी इसके अलियास हैं। 36 साल उम्र है इसकी। इसके पास से दो प्रेशर कुकर आईडीज मिली हैं। ये प्रेशर कुकर आईडीज दिल्ली में किसी हैवी फुटफॉल एरिया पे लगाने के लिए आ रहा था। इसके बारे में जो पूछताछ से पता चला और जो हमारा ये ऑपरेशन था, ये पिछले एक साल से चल रहा था। इस पर थ्रू सोर्सेज हम लोग सर्वेलेंस कर रहे थे, इसके कॉन्टेक्स्ट में सर्वेलेंस कर रहे थे और पता चला कि ये पिछले कई सालों से आईएसआईएस से कनेक्टेड था, डायरेक्टली उनके कमांडर्स के टच में था। पहले इसको हैंडल यूसुफ अल हिंदी करता था जो पीछे सीरिया में मारा गया, उसके बाद अबू हुजैफा पाकिस्तानी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कमांडर था आईएसकेपी का, आईएस खुरासान प्रोविंस का, ये इसको हैंडल कर रहा था। इनफैक्ट अबू हुजैफा पाकिस्तानी ने इसको प्रॉमिस किया था कि उसको खुरासान बुलवाएगा और इसने अपनी वाइफ के और चार छोटे बच्चों के पासपोर्ट भी बनवा लिए थे। उससे कॉन्टैक्ट में रहते रहते इसने आईडीज वगैरह जैसा बता रहा है कि इसने बनाना सीख लिए थे, लेकिन ये बात अभी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि वेदर ये इसने खुद बनाए या किसी और ने इसको बना के दिए हैं। बट जैसा इसने पूछताछ में बताया, ये कह रहा है कि इसके खुद के बनाए हुए हैं। और जब अबू हुजैफा पाकिस्तानी लास्ट ईयर ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया अफगानिस्तान में खुरासान में, तो उसके बाद जो नया अमीर था उसने इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको यहां आने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पर लोन वुल्फ कैरियर करो जैसे आईएसआईएस के दूसरे ऑपरेटिव यूरोप या दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में करते हैं। उस स्कीम के तहत ये दिल्ली आया था। इसके बाद से दो आईडी बेस्ड प्रेशर कुकर बाउंस, एक 30 का सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, चार कार्टेजेस और एक मोटरसाइकिल मिली। मोटरसाइकिल की ओनरशिप हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं, बट शक है कि यह चोरी की मोटरसाइकिल है। ये दिसंबर के आसपास, इनफैक्ट इसने ये जो आईडी है ये काफी पहले बना लिया था और इसके एक छोटे डिवाइस पर इसने अपने गांव के कब्रिस्तान के पास में कहीं इसको ड्राई रन टेस्ट भी किया था। 15 अगस्त के आसपास ये दिल्ली आने वाला था, 15 अगस्त के अराउंड टेरर स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के कारण ये नहीं आ पाया। तो अब इसको लगा कि सिक्योरिटी लूज हो गई होगी तो ये आ जाए यहां पर, जिसमें पकड़ा गया। इसका प्लान था कि यहां ऑपरेटिव ये आईडी लगाने के बाद में ये वापस जाके फ्रेश इंस्ट्रक्शंस का अवेट करने वाला था। इसको फ्रेश इंस्ट्रक्शंस क्या मिलते हैं जो इसके हिसाब से इसको अगले आदेश जो थे वो फिदाइन करने के थे, पर वो कहां करना था, क्या करना था, उसके बारे में से नहीं बताया गया था। एक टेरर स्ट्राइक अवर्ट हुई है मैं समझता हूं इस ऑपरेशन से, और एक बड़ा हादसा होने से टाल दिया गया। इसने कहा कि इसको लौट के जब यहां पे ये सक्सेसफुल हो जाता तो इसने उसके लिए भी कहता है कि फिदाइन के लिए भी इसने सुसाइड बेल्ट तैयार कर रखी है, तो ये फिदाइन करने वाला था।